तो आखिरकार बिग बॉस ने अपनी मनमानी कर ली। बिग बॉस के गले में जो हड्डी की तरह चुभ रहा था या फंसा हुआ था वो था अनुराग, यानी कि राइडर। अब आपको एक इंटरेस्टिंग इनसाइड बात बताता हूं, और ये कोई नहीं आपको बताएगा, सिर्फ राहुल भोज बताएगा, क्योंकि आपको पता है मेरे गुप्तचर चारों तरफ है, और उन्होंने ही मुझे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइडर की बात बताई है, जो कि सचमुच में हैरान कर देने वाली और सोचने वाली बात है। सुनिए ध्यान से, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरा नया चैनल राहुल भोज कॉमेडी नहीं देखा है, कमेंट सेक्शन में लिंक मैंने पेस्ट कर दिया, इधर आओ यार, एक बार मिलो, सब्सक्राइब करो, इधर मस्त खेलेंगे अपन, ठीक है। तो दोस्तों, यहां पे राइडर और बिग बॉस में एक बड़ा भयंकर और घमासान झगड़ा हुआ है। जी हाँ, और ये अनुराग और क्रिएटिव्स के बीच में हुआ है। अनुराग को धोखे से जो निकाला गया, जिस तरीके से निकाला गया दोस्तों, उसके चलते ये सारा आलम है। देखो भाई, ये तो हम सबको पता है कि अनुराग को जनता तो बिल्कुल भी नहीं निकाल सकती थी। राइडर की दीवानी है और दीवानगी है, और राइडर की जो ब्रूस सेना है वो चारों तरफ है, और ऐसे में ये लोग एक बहुत बड़ा पैन इंडिया कुछ टूर भी करने वाले थे, बट अभी वो टूर पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, देखना इंटरेस्टिंग होगा, बट वो करने वाले थे। अब राइडर के बारे में ये इनसाइड मुझे जो बातें पता चली वो ये है कि राइडर भैया जो है, तो जब बिग बॉस जो है ये राइडर को इसने नॉमिनेशन में फंसाया, और जब जिस तरीके से घर वालों की आपसी सहमत पे उसको बाहर निकाला, उसके बाद राइडर और क्रिएटिव्स के बीच में एक बड़ा झगड़ा हुआ है अंदर, जहां पे राइडर ने इस झगड़े में ही राइडर को और या उन लोगों ने भी डिसाइड किया, और राइडर ने भी जो है बाद में इविक्शन इंटरव्यू देने के लिए मना कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी, साफ तौर पे यहाँ पे, और क्रिएटिव्स ने भी ये डिसाइड कर लिया। ऐसी खबरें हैं अंदर से, जो मुझे मेरे गुप्तचर हैं उन्होंने ये बात बोली है कि अंदर से ये भी आया है कि जस्ट बिकॉज राइडर ने हंगामा मचाया और राइडर ने इस सारी बातों के खिलाफ आवाज जो उठाई, उसके चलते जो है ये जो क्रिएटिव्स हैं वो कहीं ना कहीं नहीं जम पाई, और राइडर का इसकी वजह से कोई भी इविक्शन इंटरव्यू नहीं किया गया है। तो भाई, ये बहुत बड़ी लड़ाई हुई है। राइडर ने तो एकदम थोड़ा फाड़ी कर दी अपनी बातों से कि तुम्हारी हिम्मत नहीं है, कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स निकाले हैं जो मैंने, मतलब मुझे सुनाई दिए हैं फ्रॉम माय लिटिल बडीज, कि तुम्हारी हिम्मत नहीं थी कि तुम जनता के बेसिस पे मेरा जो है इविक्शन कराओ, तुमने मुझे जाल में फंसाया और इस तरीके से जानबूझ के निकाला, वो भी उन लोगों के सामने जिनका कोई भी वर्थ नहीं है मेरे सामने, तो ऐसे में अगर तुम्हें हिम्मत होती तो रखते, और फिर पता चलता कि बिग बॉस की ट्रॉफी कहां जाती। बड़ा हंगामा हुआ है सेट के अंदर इविक्शन के बाद। जी हाँ दोस्तों, और भाई जैसे ही बात पता चली, मैंने कहा तुरंत इस पे वीडियो बना दूं कि राइडर की क्या फीलिंग्स हैं, कैसी हैं, और प्लस यहां से क्या कार्रवाई हुई है, सब चीज मैंने आपको बता दी। अब आपको क्या है कहना, कमेंट कीजिए, बताइए। देखो भाई, अनफेयर तो हुआ है राइडर के साथ, नो डाउट, क्योंकि अगर ऐसे ही करना था तो छपरी स्टैंड के साथ भी करते, उसके साथ क्यों नहीं किया, सवाल खड़े उठते हैं, राइट। अगर आपके लिए सारे कहते हैं ना, आप इक्वली कंटेस्टेंट, हमारे लिए हम तो इक्वली नजर से देखते हैं, वीकेंड पे ये बातें बोली जाती है, हम इसके बारे में ये करते हैं, उसके बारे में ये सोचते हैं, तो ये भी एक दिमाग में आती है बात कि भाई उसके लिए किया था जिसने कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ बोबा के कपड़े सूंघे थे, और एक इसके लिए जिसने कि सीधा बिग बॉस और सलमान सर से पंगा लिया था, उसके लिए ऐसा कर दिया, कुछ तो बात है। आपको क्या है कहना, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय बाय।